जब मैं इन नंबर्स को यहाँ पे टोटल करने की कोशिश करता हूँ फॉर्मूले से, तो क्या होता है कि यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है। और अगर मैं इसको मैनुअल करूँगा वन बाय वन, तो मेरा काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा, और मेरे पास आप देख सकते हो नंबर्स भी बहुत हैं। तो इसको कैसे करेंगे विद अ सेकेंड, चलिए ये सीखते हैं। दोस्तों सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना है तो आप मेरी वेबसाइट excelbook.com पे जाके फ्री ट्रायल ले सकते हैं। आप वहाँ पे फ्री ट्रायल बुक कीजिए और मुझसे एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है टेस्ट स्प्लिट का, और उसके बाद यहाँ पे इस सेल को दे देना है, और यहाँ पे हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे कॉमा के थ्रू। कॉमा से हम लोग इसने स्प्लिट कर लिया है, यहाँ पे कॉमा देना था, और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करके जैसे ही आप एंटर करोगे, आप देखोगे यहाँ पे नंबर सारे अलग अलग हो चुके हैं। बट ये अभी क्या है, ये अभी टेस्ट फॉर्मेट में है, इसको नंबर फॉर्मेट में करने के लिए हमें डबल डैश लगाना पड़ेगा, तो इसके सारे नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे। कैसे पता चला, क्योंकि जो टेस्ट फॉर्मेट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, और जो नंबर फॉर्मेट होता है वो राइट साइड होता है। आप देख सकते हो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई किया था मैंने इसके लिए। और अब क्या करूँगा मैं, जब ये मैंने निकाल लिया तो मैं इसी को यहाँ पर सम कर लूँगा केवल, और ब्रैक एंटर करूंगा, तो ये पूरा सम होके आ गया है। चलिए एक क्रॉस चेक कर लेते हैं, 93 प्लस 95 प्लस 10 प्लस 64 प्लस 10 प्लस 64 प्लस 75, तो ये आ रहा है, बिल्कुल सेम है, मैच हो रहा है। बस इसको आप जब ड्रैग कर दोगे तो आपका सबके लिए ये डायनेमिकली कर देगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों इसे देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो धन्यवाद, गुड बाय।